नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले मां शांक भरी देवी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने सहारनपुर में विभागीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे माँ शांक भरी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव विकास की राजनीति नहीं करते, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है जो उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने केजरीवाल के सवाल पर कहा कि वह अभी बड़ी मुश्किल से जेल से छुटकर आए हैं। आज मेले का उद्घाटन है और विभागीय समीक्षा बैठक दो काम करेंगे। आज सर्किट हाउस में करेंगे, लौट के आएंगे। प्रदेश के विकास की बात वो नहीं सोचते, जनता के हित की बात नहीं सोचते। वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं, हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आज अखबार में पढ़ा होगा कि जीरो पॉवर्टी स्कीम की घोषणा हुई, इससे करोड़ों लोगों को सुविधा मिलेगी। हर गांव से 10 से 25 परिवार ऐसे चयनित होंगे जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ऐसे लोगों को चयन करके उनको केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं एक साथ मुहैया कराया जाएगा। उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की तैयारी हो रही है। दूसरा, गरीबों के इलाज के लिए आप देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड बना हुआ। मुख्यमंत्री पैसा देते हैं कि भाई आप इलाज कराओ, अपने घर का पैसा मत लगाओ। हम लोग भी पैसा देते हैं कि आप हमसे पैसा लो, आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना लो, आधार कार्ड दे दो, आय प्रमाण पत्र दे दो, हमसे पैसा ले लो, इलाज कराओ। हम लोग गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और वो लोग जो बिना वजह वो सत्ता हाथ से चली गई है, इस नाते सत्ता पाने के लिए व्याकुल होकर के अनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। तो अभी तो बेचारे छूट के आए हैं। आपने देखा कितना बड़ा शराब घोटाला, कई लोग जेल गए। तो हर आदमी गलत करने वाला कहता हम सही है, तो सही है तो फिर जेल क्यों जा रहे हैं? जनता मालिक है, जनता वोट दे रही है, वोट वोटिंग होने जा रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, आपकी स्क्रीन पर।